जिन सत्यों मरीते सार चाम तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यार बात करेंगे कैसे एडसेंस अप्रूवल लिया जाए स्टार्टिंग वेबसाइट पर या फिर सिंगल पेज वाला वेबसाइट पर। बहुत लोग सोचता कि सर आप तो बता रहे हो कि स्टार्टिंग वेबसाइट में बहुत इनकम है, ये है वो है, लेकिन इसमें एडसेंस कैसे अप्रूवल लिया जाए, मतलब ये क्या डायनिंग वेबसाइट से पूरा अलग है प्रोसेस। सो बहुत लोग का माइंड में था क्वेश्चन, सो इस वीडियो में क्या है कि मैं पूरा प्रयास करूँगा क्लियर करने का। सो वीडियो आराम से लेकर तो देखो, कुछ भी डाउट्स होगा उसके बाद भी कॉमेंट सेशन में लिख करना या फिर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो यार जैसा जानते हो कि डायनिंग वेबसाइट मतलब जिसमें प्रोसेसिंग हो रहा है सर्वर पर, फिर जो है कंटेंट तुम्हारे पास आ रहा है। स्टार्टिंग वेबसाइट मतलब जो सर्वर पर है वही डायरेक्ट खुल रहा है, यही दोनों अंतर है यार। अब एडसेंस के दृष्टि में मतलब एडसेंस के नज़र में या फिर दृष्टि में दोनों सेम ही है। एडसेंस की दृष्टि में जब उसके पास आ रहा है साइट या फिर देखो एडसेंस को क्या लेना है, एडसेंस को बस लेना देना है कि तुम्हारे पास कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ट्रैफिक का सोर्स सही है कि नहीं है, कंटेंट सही है नहीं है, उसके पॉलिसी के साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस वो एडसेंस को दे देगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी तुम्हारा साइट में कंटेंट है बस वो एडल्ट ना हो, इलीगल ना हो, बस थोड़ा सा भी ट्रैफिक है एडसेंस मिल जाएगा, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। गूगल के दृष्टि में जो भी एडसेंस है उसके दृष्टि में यार तुम्हारा डायनेमिक वेबसाइट हो या फिर स्टडी वेबसाइट हो मैटर करता ही नहीं, तुम्हारा मल्टी पेज वेबसाइट हो या फिर सिंगल पेज वेबसाइट हो वही मैटर नहीं करता, बस तुम्हारा ट्रैफिक होना चाहिए। अब बताओ यार ये कितना ट्रैफिक होना चाहिए, जब तुम अप्लाई करोगे एडसेंस के लिए कितना ट्रैफिक होना चाहिए। तो मैं पहले ही बताया हूँ वीडियो यार पीछे एडसेंस को लेके, लेकिन अभी मैं हाल में एक और साइट पर मैं एडसेंस लिया हूँ और उसमें यार मुझे यार सिर्फ 200-300 ट्रैफिक था पड़ने का यार, जस्ट 200-300 यूनिक विजिटर था ऑर्गेनिक। सर्च काउंसिल में जो दिखा रहा था मैं बता रहा हूँ पर डे का जो है 200-300 के आसपास एवरेज था। अप्लाई किया एडसेंस मिल गया डेढ़ दिन में ही, मतलब एक दिन के बाद ही नेक्स्ट डे जो यार दोपहर को मुझे मिल गया, मतलब नॉर्मली लगता है 2-3 दिन मेरा ऐसा नहीं हुआ, डेढ़ दिन में मतलब समझ लो 2 दिन के आसपास या फिर डेढ़ दिन बोल सकते हो यार जैसे बोलना हो तो वो बहुत क्विकली मिल गया मुझे यार, बहुत ही क्विक, बस मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहा। अब चीज़ आता है कि बहुत लोगों का मैसेज आया है, बहुत लोग स्ट्रेटजी वेबसाइट के लिए अप्लाई किए हैं, उन लोगों का कुछ कुछ मैसेज आया है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जो मैसेज आ रहा है बता रहा है कि साइट जो है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में है इसलिए जो है आपको एडसेंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा बहुत लोगों को ईमेल आया। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो सिंपल वे है यार उसके लिए यार तुम जैसे कि मैं क्या किया था देखो, अभी यार मैं देख रहा हूँ जिस वेबसाइट में यार प्राइवेसी एंड पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं है ना उसमें थोड़ा बहुत नाटक आ रहा है, सब में नाटक नहीं आ रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उनमें से कुछ लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो करना क्या है यार कि तुम्हें यार पेज बना लेना है। पेज क्या क्या बनाना है तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट किसको दिखाऊँ तुमको, चलो मैं तुमको लेनी फेस का दिखाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो दिखाता हूँ तो ठीक है। तो ये साइट है और यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या मैंने मेंटेन किया था। इसको मैं जब एडसेंस के लिए फर्स्ट अप्लाई किया था तो यार वो नाटक कर रहा था लेने में, वो बोल दिया था, मुझे भी खुद मैसेज आया था कि साइट जब कंस्ट्रक्शन में है या अभी साइट रेडी नहीं। मैंने क्या किया, सिंपल प्रोसेस किया यार, दो चीज़ किया, एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी और एक कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी यार मेरे ख्याल से मैंडेटरी हो गया अभी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग का, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन बहुत लोग का कहना है कि सर प्राइवेसी एंड पॉलिसी नहीं था इसलिए नहीं ले रहा था एडसेंस, डालते ही ले लिया, बहुत लोग का हो गया। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार कंफर्म कर लेना कोई फ्रेंड लोग है तुम्हारा कि यार अभी जो नया सर अप्लाई कर रहा है तो क्या प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेटरी है या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंडेटरी हो गया क्योंकि यार मैं अब हर पेज में ये डाल रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसको भी देख सकते हो कि यहाँ पर देखो जो प्राइवेसी पॉलिसी मैं इसको डाला था इसमें कुछ भी नहीं है, ये जनरेट किया हुआ है ऑनलाइन, मैं तुम लोग को इसका कॉपी वर्जन दे दूंगा इस लिंक में या फिर तुम लोग डायरेक्ट ये लिंक खोल सकते हो, ये मैं लिंक दे दूंगा lenifes.com/privacyandpolicy.html। तुम बस करना क्या है कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटेंट को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद अपने साइट में जो है बस इसको पेस्ट मार लेना है और ये जो टाइटल है इसमें जो है जो साइट का नाम है यहाँ तुम अपना नाम रख लोगे और ये जो डोमेन नेम है यहाँ पर तुम अपना डोमेन नेम रख लोगे, फिर जहाँ जहाँ ये नाम है वहाँ पर तुम अपना नाम रख लोगे, कुछ ऐसे जो कॉपी कर लोगे कंट्रोल एफ करोगे दिखा देगा कहाँ का नाम है, हर जगह रिप्लेस कर लोगे, ठीक। उसके बाद जो ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को भी यार रिप्लेस कर लोगे और जो तुम्हारा वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको भी रिप्लेस कर लोगे अपने वेबसाइट के साथ, उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल काम करने लगेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज में कुछ भी नहीं है यार, बस सिंपल सा बोल देना है कि ये है मेरा ईमेल एड्रेस, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो ये जो है इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर देना, इतना ही तुम्हें बस करना है यार और कुछ भी नहीं, बस अप्लाई कर दो एडसेंस मिल जाएगा। हमेशा याद रखना है कि ट्रैफिक यार ऑर्गेनिक होना चाहिए क्योंकि रेफरेंस ट्रैफिक में बहुत लोगों को नहीं मिला एडसेंस स्टार्टिंग वेबसाइट पर। तो यार मैं बोलूँगा कि तुम उसको किसी कीवर्ड पर देखो, तुम स्टार्टिंग वेबसाइट बना रहे हो तो कोई कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, तो अगर वो मेन कीवर्ड टारगेट नहीं हो पा रहा है, ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, तो कुछ सब कीवर्ड भी यार उसमें इंक्लूड करो,
ठीक है, टाइटल में टेम्पररी जो है सब कीवर्ड घुसा दो ताकि कुछ कुछ टॉपिक आ जाए, 300-400 पर डे का टॉपिक आ जा रहा है, अप्लाई कर दो मिल जाएगा एडसेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से है। अधिकांश जो तुम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है वही प्रॉब्लम आता है साइट बाय साइट में, साइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक और जो प्रॉब्लम आता है कि साइट डज नॉट हैव इनफ कंटेंट, यही मैसेज आता है। जब मैं फर्स्ट टाइम एज क्लाउडर के लिए अप्लाई किया था तो मुझे भी ऐसा ही उस मैसेज दिया गया था, तो फिर मैं क्या किया था, फिर मैं एज क्लाउडर का जो है अभी तो मैं उसको हटा दिया हूँ, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज हटा दिया हूँ, अप्रूव होने के बाद तुम हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बड़ा गर्म लग रहा है यार। जब ये बोला था कि तुम्हारे पास इनफ कंटेंट नहीं है, तो मैं क्या किया कि एक जो पहला मैंने काम किया कि एक इमेज, यूनिक इमेज बनाया। ठीक है, एक यूनिक इमेज जो है HD साइज में 720, ठीक है 720 वाला ले लो, 720 विस्ट कर लो, विथ और लेंथ कर लो यार 400 पिक्सल। ठीक है, ये उतना ही साइज का है, इस तरह का एक इमेज बना लिया मैं, और छोटा सा जो है इस तरह से कंटेंट लिख दिया मैं, कंटेंट बहुत सारा सब कीवर्ड में टारगेट किया हूँ ताकि जो है बहुत बहुत मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करे साइट इस क्लाउडर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है इतना कंटेंट जो है उसके लिए एडसेंस के लिए इनफ था काम करने के लिए। अब देखो एडसेंस कैसे काम करता है, एडसेंस जो है तुम्हारा तीन वैसे काम करता है। पहला है यार वो बिहेवियर ट्रैक करता है जो विजिटर है वो सर्च पैटर्न, दूसरा है ये जो साइट है तुम्हारा क्या क्या टेस्ट है उसके हिसाब से, और तीसरा है ब्राउजर बिहेवियर। ठीक है, ब्राउजर बिहेवियर, ठीक, विजिटर का जो बिहेवियर है तो है वो कहीं कैसे घूम के आया, वो कुछ ट्रैक कर रहा है, एक ब्राउजर का भी बिहेवियर होता है। अगर तुम लोग यूट्यूब जानते हो तो समझ आएगा कि ब्राउजर भी जो है ये जो है गूगल क्या करता है कि ब्राउजर को यार मतलब ब्राउजर में तुम क्या क्या साइड घाट रहे हो वो भी रिकॉर्ड रखता है, सिर्फ कैचेस की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तीन वे से गूगल ट्रैक करता है और उस हिसाब से ऐड दिखाता है, तो वो प्रयास करता है कि कोई साइड ऐसा हो जिसमें यार कुछ कॉन्टेंट हो, कुछ टेस्ट हो, तो वहाँ पर उसको यार इजिली वो अप्रूव दे देता है। ठीक है, सो ये ध्यान देना, बस तुम्हें इतना ही करना है यार। क्या करना है फिर से देख लो, एक इमेज डाल देना स्टार वेबसाइट में जो भी जिस पर तुम काम कर रहे हो, एक बना लो थंबनेल इमेज HD साइज में, उसके बाद थोड़ा सा एक कंटेंट लिख दो उसके ऊपर, थोड़ा सा कंटेंट लिख दो कि हाँ इस साइट में क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। इससे क्या है गूगल को आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस साइट किस चीज़ के ऊपर है, प्लस एडसेंस को आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस साइट किस चीज़ के ऊपर है, उस हिसाब से वो रिलेवेंट ऐड जो दिखा पाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी एंड पॉलिसी सिंपल है, और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट अस पेज बना लेना। ठीक है, अगर तुम कंटेंट कुछ ऐसा रख रहे हो जिसमें यार हो सकता है कि किसी और का कॉपी कंटेंट हो तो DMCA का भी डाल देना, क्योंकि मेरा ख्याल में क्या है बहुत सारा कॉपी कंटेंट रहता है, इसलिए मैं DMCA का पेज भी दे देता हूँ ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, यही सब रहा पंगा यार, कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में मत रहो कि स्टार्ट वेबसाइट में कोई रॉकेट साइंस से अप्रूव करवाना, कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है यार। डायनो वेबसाइट में क्या है कि उसमें कॉन्टेंट रहता है बहुत सारा, इसलिए जो है एडसेंस कुछ नाटक नहीं करता, लेकिन स्टार वेबसाइट में क्या होता है नॉर्मली जो है हम लोग बहुत ही छोटा कॉन्टेंट रखते हैं, खासकर टूर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा स्टार्टअप वेबसाइट है किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लो कि तुम टॉप 10 फूड्स के बारे में बात कर रहे हो, या फिर टॉप 10 स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हो स्टार्ट वेबसाइट में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम सब आर्टिकल पहले से लिख दिया होता है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो टूल्स वाला वेबसाइट है जिसमें क्या है सिर्फ टूल्स लगा हुआ है, जैसे कि ये टूल्स है वो टूल्स है, तो उसमें क्या है तुम्हें कुछ कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा तब जाकर वो जो है अप्रूव होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना कॉन्टेंट लिखे भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन बेटर गुड प्रैक्टिस है यार कि तुम यार अपने कंटेंट में थंबनेल यूज़ करो, मतलब बड़ा सा इस तरह का इमेज और इस तरह कंटेंट, इससे क्या होगा तुम्हारा क्वालिटी हाई भी होगा, यूनिक भी होगा, जल्दी रैंक करेगा। ठीक है, और टूल्स वेबसाइट में समस्या क्या होता है कि टूल्स को हम लोग ऊपर रखना पड़ता है, तो हम लोग तो इमेज तो यार ऊपर रख नहीं सकते, ऊपर रखेंगे इमेज तो बेकार लगे देखने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फूटर के नीचे इमेज यूज कर सकते हो और उसके बाद जो है पूरा कंटेंट लिख सकते हो। मैं क्या किया, देखो फूटर के नीचे तो टाइटल दिया हूँ, फिर इमेज और फिर कंटेंट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मस्त काम कर रहा है साइट, क्विक रैंक किया है, अभी दो नंबर है, क्विक नहीं टाइम तो लगे ले लिया यार ऐसे रोटर, एनी वे दो नंबर है, नंबर पर नहीं आ रहा, नंबर पर आएगा तो यार अच्छा इनकम आएगा, कम से कम हर दिन का 400-500 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फिर से करो कुछ सोचना तो आज करो यार, व्हाट्सएप मुझे मैसेज करो, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद।